हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और देखिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन और दरोगाजी.com पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको नोकिया 9 के बारे में बताएंगे और साथ ही उन नोकिया एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे जो 2017 में आपको देखने मिलने वाले हैं। पर उससे पहले ताज़ा मार्केट के हाल के बारे में बताएं तो दोस्तों, नोकिया कंपनी अपने कस्टमर्स को खो रही है। जी हाँ दोस्तों, नोकिया ने वापसी तो कर ली है पर उन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि लोग नोकिया के एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। पर नोकिया 3 के अलावा और कोई भी नोकिया एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स भारतीय बाजार में अब तक नहीं आया है। पहले नोकिया ने कहा था कि जून तक नोकिया स्मार्टफोन्स यानी नोकिया 3, 5 और नोकिया 6 बाजार में आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अब नोकिया 5 और नोकिया 6 के लिए अगस्त तक का इंतजार करना पड़ रहा है। नोकिया 3 से ज्यादा लोग नोकिया 6 का इंतजार कर रहे थे, तो इसी कारण से काफी नोकिया फैंस नोकिया की जगह अब शाओमी और दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन्स खरीद रहे हैं। यानी काफी देरी से अपने स्मार्टफोन मार्केट में लाने का भारी नुकसान नोकिया को उठाना पड़ सकता है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो अच्छा होगा कि कंपनी लोगों का विश्वास बनाए रखे। वैसे ये तो था नोकिया से जुड़ा ताजा मार्केट का हाल। अब बात करते हैं नोकिया 9 के बारे में। दोस्तों, दुनिया HMD ग्लोबल के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया 9 का इंतजार कर रही है और एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नोकिया 9 के डिजाइन का खुलासा भी हो चुका है। तस्वीरों में नोकिया 9 का डिजाइन साफ दिख रहा है। तस्वीरों से पता चलता है कि नोकिया 9 के पिछले हिस्से पर दो रियर कैमरे होंगे जो वर्टिकल पोजिशन में दिए जाएंगे, यानी कि नोकिया 9 डुअल रियर कैमरे के साथ आएगा। पर कैमरे कितने मेगापिक्सल के होंगे इसकी जानकारी नहीं मिली है। सामने की तरफ 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है और सामान्य स्मार्टफोन्स की तरह नोकिया 9 में भी राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स होंगे। हेडफोन जैक ऊपर दिया होगा, माइक्रो USB पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन निचले हिस्से पर होंगे। तस्वीरों से पता चलता है कि नोकिया 9 के किनारे घुमावदार होंगे। स्मार्टफोन की हाइट 151.55 mm और इसकी विड्थ 73.7 mm हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, नोकिया 9 में भी नोकिया 6 की तरह स्टीरियो स्पीकर दिया जाएगा। इंटरनल हार्डवेयर और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी जानकारी सामने आई है। नोकिया 9 5.3 इंच के क्वाड HD डिस्प्ले के साथ आएगा, यानी कि स्क्रीन रेजोल्यूशन 1440x2560 पिक्सल का होगा और स्क्रीन पर प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 लगा होगा, तो किसी मजबूत चीज के टकराने पर स्क्रीन को हानि नहीं होगी। प्रोसेसर की बात करें तो नोकिया 9 क्वालकॉम के नए और सबसे तेज स्नैपड्रैगन 835 चिप के साथ आएगा, जिसके कोर्स 1.90 गीगाहर्ट्ज की तेजी से काम करेंगे, यानी कि स्मार्टफोन परफॉर्मेंस में काफी तेज होगा। बेहतरीन प्रोसेसर के साथ में ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 540 GPU भी होगा, तो बढ़िया 3D गेम्स खेलने में भी मजा आएगा। वैसे तो खबर है कि स्मार्टफोन में 4GB की रैम होगी, पर कुछ नई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि नोकिया 9 में मल्टीटास्किंग के लिए बड़ी रैम देखने को मिल सकती है, यानी कि स्मार्टफोन में 6 और 8GB रैम वेरिएंट होंगे और इंटरनल स्टोरेज 64GB की होगी, जिसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकेगा। यहाँ पावर देने के लिए 3000mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है और नोकिया 9 नए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 7.1.1 पर चलेगा। स्पेसिफिकेशंस तो दमदार देखने को मिल सकते हैं, साथ ही नोकिया 9 में और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स होने की उम्मीद है। नोकिया 9 IP68 रेटिंग के साथ आएगा, यानी कि ये वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस होगा। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो नोकिया 9 देश के आधार पर अलग अलग सिम वेरिएंट्स में बिकेगा, साथ ही उसमें डुअल वाईफाई, 4G BOLTE, ब्लूटूथ 4.2, हॉटस्पॉट, माइक्रो USB, 3.5mm ऑडियो जैक, लोकेशन के लिए GPS और शेयरिंग के लिए NFC का भी सपोर्ट होगा। तो इस तरह से नोकिया 9 मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे नोकिया एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स की जो 2017 में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, HMD ग्लोबल लो बजट सेगमेंट में एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, इसका नाम होगा नोकिया 2। नोकिया 3 से छोटा वेरिएंट यानी नोकिया 2 में स्नैपड्रैगन 202 चिप हो सकता है या फिर ये स्मार्टफोन मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके अलावा 2017 में लॉन्च होने वाले नोकिया एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर की भी जानकारी मिली है, जिसमें नोकिया 7 में स्नैपड्रैगन 630 चिप और नोकिया 8 में 660 चिप दिया जाएगा। तो दोस्तों, नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6 को लॉन्च करने के बाद अब HMD ग्लोबल कंपनी नोकिया 2, 7, 8 और 9 पर काम कर रही है। 2017 में आने वाले इन नोकिया एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पर तो हमारी नजर है, पर फिलहाल नोकिया 5 और 6 जल्द से जल्द मार्केट में आए यही सब चाहते हैं। तो ये थी नोकिया एंड्रॉइड स्मार्टफोन से जुड़े हुए ताज़ा टेक अपडेट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।